इस वीडियो में बिना एटीएम कार्ड यानी कि बिना डेबिट कार्ड के फोन पे अकाउंट को बनाने का और फोन पे यूज करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग फोन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आप यूपीआई पिन क्रिएट नहीं कर लेते तब तक आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। और यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है वो लोग फोन पे यूज नहीं कर पाते। बट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक जुगाड़ बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी पूर्वक फोन पे एप्लीकेशन को बिना एटीएम कार्ड के यूज कर पाएंगे और कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर फोन पे सर्च कीजिए, फोन पे, और इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को इनपुट करना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर इनपुट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन ग्रांटेड कर देना है यानी कि अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी आपको अलाउ करना है, अलाउ करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपका फोन पे अकाउंट क्रिएट तो हो चुका है बट अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है, यानी कि जब तक आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल, आप अपने फोन पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पर ही ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन पेमेंट मेथड में दिखेगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से सेम प्रोसेस आपको करना है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप उसी बैंक अकाउंट को सर्च कीजिए जो बैंक अकाउंट इस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो सकता है। तो यहाँ पर आप सर्च करके भी बैंक का नाम सर्च करके और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा। कुछ देर यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा यानी कि आपके मोबाइल नंबर से जो अकाउंट बन रखा है, ठीक है, ओपन हो रखा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो है आधार नंबर लिंक्ड विथ बैंक और दूसरा है डेबिट और एटीएम कार्ड। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो अच्छी बात है, आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी अपना सारा काम कर सकते हैं। बट अब जो है आप बिना एटीएम कार्ड के, यानी कि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं भी है तो भी आप इस काम को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपने अकाउंट यहाँ पर लिंक कर लिया लेकिन आप यूपीआई पिन सेट अभी तक नहीं किए हैं किसी भी रीजन बस, और यहाँ से आप बैक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक आने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट लिंक हो चुका है। ओके, और भी आप ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है बट बिना यूपीआई पिन सेट किए आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी को मैं ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं किसी को ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा तो यहाँ पर पेमेंट डाल करके पे पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आ जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मीन्स आपने अभी तक यूपीआई पिन सेट नहीं किया है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसानी से इसे फिक्स कर सकते हैं। सिंपल, आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है प्रोफाइल पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा पेमेंट मेथड में, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। ओके, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा क्योंकि अब आप लोग यूपीआई पिन सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा यूपीआई पिन सेट यूपीआई पिन, तो
तो आप इस पर क्लिक कीजिए सेट यूपीआई पिन पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपको दिख चुके हैं, एक तो आधार नंबर और दूसरा डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है उसके बावजूद भी आप फोन पे अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो सिंपल आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग लिया जाएगा और यहाँ पर अब आपको एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट नंबर इनपुट करना है, ठीक है ना। आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है वो आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अलाउ करना है और यहाँ पर वेरीफाइंग किया जाएगा आपके नंबर को यानी कि आधार नंबर को। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा ओटीपी का जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर कंफर्म कीजिए। अब यहाँ पर आप 6 डिजिट का जो ओटीपी है इनपुट कर दीजिए। ओटीपी इनपुट करने के बाद फिर से आपको कन्फर्म करना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाएगा यूपीआई पिन सेट करने का, मीन्स अब बिना एटीएम कार्ड के भी आप यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। तो सिंपल आप यहां पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर कंफर्म करना है राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और नेक्स्ट पेज में आपको कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा तो यहां पर आपको सेम यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। उसके बाद फिर से कंफर्म। तो देखिए यहाँ पर यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है और मैसेज भी आपको आ जाएगा कि आपने यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ से आप अपना यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अब अगर आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किसी को पैसे भेजना चाहते हैं या फिर बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यूपीआई पिन इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही यूपीआई पिन इनपुट करेंगे उसके बाद आप कंफर्म करेंगे कुछ इस तरीके से तो आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा, बैंक बैलेंस, ठीक है। मीन्स बिना यूपीआई पिन के ना तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं भी और ना ही आप पेमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी को ट्रांजेक्शन करना है तो सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जिसको भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अमाउंट इनपुट कर दीजिए और पे पर क्लिक कीजिए। तो देखिए अब आपके सामने समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आप यूपीआई पिन इनपुट कीजिए और कन्फर्म कीजिए, आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट को बिना एटीएम कार्ड के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी फीचर आप आसानी पूर्वक यूज कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा अगर आपको अपने फोन पे अकाउंट में यानी कि एप्लीकेशन में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ऐड करना हो तो यहीं पर आपको आना है और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड न्यू कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिसको भी आप लिंक करना चाहते हैं यहाँ पर उसका नंबर डालिए, यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और ईयर डालिए और यहाँ पर सीवीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे 3 अंक का होता है वो आप यहाँ पर इनपुट कीजिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। हो सकता है यहाँ पर ऐड करने में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाए 1-2 रुपये, ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप इसी तरीके से अपने फोन पे अकाउंट में एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग आसानी पूर्वक बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट बना सकते हैं और फोन पे को आसानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अदरवाइज आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।